हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल ग्रैंड इंच टेक। गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं नॉइस इवॉल्व 2 स्मार्ट वॉच वर्सेस नॉइस इवॉल्व 3 स्मार्ट वॉच के बारे में। इन दोनों स्मार्ट वॉच की फुल कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि कंपनी ने क्या अपग्रेड किया है नॉइस इवॉल्व 2 से नॉइस इवॉल्व 3। तो इन सब चीजों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और आपको कौन सी परचेस करनी चाहिए ये भी डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आपको कुछ समझ में आए और अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही अपडेट कंपैरिजन और अनबॉक्सिंग की वीडियो लेके आते रहता हूं। तो आइए चलते इस वीडियो को स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करें इन दोनों स्मार्टवॉच के बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में। तो बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन में आपको थोड़ा सा डिफरेंस जो है देखने को मिल जाएगा। डिजाइन को देखा जाए तो दोनों की डिजाइन आपको सेम मिल जाएगी, दोनों आपको सर्कुलर डायल शेप में देखने को मिल जाएंगे और दोनों में आपको सर्कुलर टैप डुअल बटन का सपोर्ट जो है दिया गया और सिलिकॉन का स्टेप जो है यूज किया गया। लेकिन अगर डायल मटेरियल के बारे में बात करें तो इसमें आपको डिफरेंस मिल जाएगा। नॉइस इवॉल्व 2 स्मार्टवॉच में आपको एल्युमिनियम की बॉडी जो है देखने को मिल जाएगी, तो मेटल की बॉडी जो है देखने को मिल जाएगी, जबकि मेरे पे नॉइस इवॉल्व 3 में आपको पॉलीकार्बोनेट की बॉडी जो है दी गई। तो ये डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। बात करें इनके स्पेसिफिकेशन के बारे में तो नॉइस इवॉल्व 2 स्मार्टवॉच में आपको 1.2 इंच की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जिसका पिक्सल 390x390 का दिया गया और इसमें आपको 327 का PPI यानी कि पिक्सल पर इंच का सपोर्ट जो है दिया गया और इस स्मार्टवॉच में आपको 100+ क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस का सपोर्ट जो है मिल जाएगा। जबकि वहीं पर बात करें नॉइस इवॉल्व 3 स्मार्टवॉच के डिस्प्ले साइज के बारे में, तो इसमें आपको 1.43 इंच की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी और जिसका पिक्सल 466x466 का दिया गया और इस स्मार्टवॉच में आपको 326 का PPI का सपोर्ट मिल जाएगा, साथ ही साथ में 500 nits का पीक ब्राइटनेस का भी सपोर्ट जो है मिल जाएगा और इस स्मार्टवॉच में आपको 150+ क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस का सपोर्ट मिल जाएगा। तो डिस्प्ले क्वालिटी और साइज में देखा जाए तो कहीं ना कहीं कंपनी ने कुछ ज्यादा ही अपग्रेड कर दिया है 2 से लेकर 3 में। तो अगर बेस्ट देखा जाए तो नॉइस इवॉल्व 3 काफी ज्यादा बेस्ट रहेगी डिस्प्ले को लेकर। अब वहीं पे बात करें अदर स्पेसिफिकेशन के बारे में, जो भी मेजर यहाँ पे अपडेट किया गया वो है ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर। जी हाँ दोस्तों, नॉइस इवॉल्व 2 में आपको ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर नहीं मिल रहा था, लेकिन नॉइस इवॉल्व 3 में आपको ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर जो है मिल रहा है, यानी इनबिल्ट माइक, स्पीकर, डायल पैड, कॉन्टेक्ट सेव और कॉल हिस्ट्री का सपोर्ट जो है मिल रहा है। बात करें इन दोनों स्मार्ट के हेल्थ ट्रैकर्स के बारे में, तो इन दोनों में आपको नॉइस सूट हेल्थ का सपोर्ट मिल रहा है, यानी SPO2 का सपोर्ट मिलेगा, रियल टाइम हार्ट रेट मॉनिटरिंग, स्लीप, ब्रीथ और उसी के साथ साथ फीमेल हेल्थ ट्रैकर्स का सपोर्ट जो है दिया गया। वहीं पे स्पोर्ट्स मोड को देखा जाए तो इसमें आपको बहुत ही ज्यादा डिफरेंस जो है देखने को मिल जाएगा। नॉइस इवॉल्व 2 स्मार्ट वॉच में आपको मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पे काउंट नहीं किया गया, लेकिन तब भी यहाँ पे आपको 10 से 20 या 25 या ज्यादा 30 स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल सकता है। लेकिन वहीं पे नॉइस इवॉल्व 3 में आपको 100+ यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड अवेलेबल कराया गया। तो कहीं कहीं कंपनी ने अपग्रेड किया है स्पोर्ट्स मोड को भी देकर। और वहीं पे वाटर रेजिस्टेंस को देखा जाए तो इसमें आपको अपग्रेड नहीं मिलेगा। नॉइस इवॉल्व 2 स्मार्ट वॉच में आपको 3 ATM वाटर रेजिस्टेंस का सपोर्ट मिले, यानी पानी के अंदर भी ले जाकर इस स्मार्ट वॉच को यूज कर सकते हैं 30 मीटर के नीचे तक, जबकि ये फीचर आपको नॉइस इवॉल्व 3 में देखने को नहीं मिलेगा। इसमें आपको IP67 रेटेड वाटर रेजिस्टेंस का सपोर्ट मिल रहा है। और वहीं पे बैटरी बैकअप को देखा जाए तो इसमें आपको डिफरेंस थोड़ा सा ये मिलने वाला है फास्ट चार्जिंग को लेकर। नॉइस इवॉल्व 2 स्मार्टवॉच में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल रहा है, चार्ज कर दोगे तो यहाँ पे आपको 5 दिन का बैकअप मिल जाएगा, जबकि ये वाला फीचर आपको नॉइस इवॉल्व 3 में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको 7-10 days का नॉर्मल बैकअप मिल जाएगा। ब्लूटूथ कॉलिंग को अगर इस स्मार्टवॉच में हैवी यूज करोगे तो मैक्सिमम 1 दिन का बैकअप मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे नॉइस इवॉल्व 3 स्मार्टवॉच में आपको ट्रू सिंक टेक्नोलॉजी जो है यूज की गई है, जिसकी वजह से ब्लूटूथ वर्जन 5.3 का सपोर्ट मिलेगा और क्विक पेयर का सपोर्ट मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे प्लस पॉइंट हो जाता है। स्मार्ट फीचर और स्मार्ट नोटिफिकेशन अलर्ट का सपोर्ट आपको दोनों स्मार्टवॉच में देखने को मिल जाएगा, यानी सोशल मीडिया से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है अपनी वॉच पे ही देख सकोगे, कैमरा भी कंट्रोल कर लोगे और म्यूजिक को भी कंट्रोल कर लोगे। अब यहाँ पे प्राइस पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, तो प्राइस में आपको बहुत ही ज्यादा मतलब की 500 से 600 या 700 रुपए का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। नॉइस इवॉल्व 2 की स्पेशल जो प्राइस है 2899 रुपए और ये फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, जबकि नॉइस इवॉल्व 3 स्मार्टवॉच की प्राइस है 3399 रुपए और कभी कभी बढ़ गई 3700 रुपए भी हो जाते हैं, लेकिन इस समय करंट भी अभी 3399 चल रहा है। तो देखा जाए कि क्या अपग्रेड किया है, तो कंपनी ने बहुत ही ज्यादा अपग्रेड किया है डिस्प्ले को लेकर और उसी के साथ साथ यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड में भी डिफरेंस मिल जाएगा और कनेक्टिविटी में भी अपग्रेड कर दिया है। तो बेस्ट देखा जाए तो कहीं कहीं बेस्ट यहाँ पे निकल कर आ जाती है नॉइस इवॉल्व 3 स्मार्टवॉच, क्योंकि आपको बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, डिस्प्ले क्वालिटी भी अच्छी मिल जाएगी, साथ ही साथ में ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर भी देखने को मिल जाएगा और 100+ स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाएगा। लेकिन बस इसमें यह क्या है कि IP67 रेटेड वाटर रेजिस्टेंस का सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन इसमें यह भी मिल रहा है ट्रू सिंक टेक्नोलॉजी यानी ब्लूटूथ वर्जन 5.3 का सपोर्ट मिल जाएगा, जिसके क्विक पेयर का भी सपोर्ट मिल जाएगा और लो पावर कंजप्शन का भी सपोर्ट मिल जाएगा। तो थोड़ा सा प्लस पॉइंट हो जाता है। तो अगर आप नॉइस इवॉल्व 2 यूज कर रहे हो तो आप अपग्रेड कर सकते हो नॉइस इवॉल्व 3 की तरफ, लेकिन अगर इन दोनों में से स्पेशल परचेस करना चाहोगे तो आप करंट में परचेस कर सकते हो इवॉल्व 3 को, क्योंकि यहाँ पे अपग्रेड आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी आपके मन में कोई सवाल या डाउट है किसी स्मार्ट वॉच को लेकर या इससे कोई रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, वहां पर हम लोग डिटेल बातें कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगी, अगर समझ में आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए पहली बार